तो एक बार फिर शाहरुख खान जवान हो चुके हैं। मेरा मतलब है कि शाहरुख खान की जवान मूवी आज थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। अब इस मूवी की हाइप कितनी थी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इसकी प्री बुकिंग ही 150 करोड़ की होगी थी और आज शाम तक ये हो सकता है 200 करोड़ तक भी पहुंच जाए। और अगर आपको शाहरुख खान का स्टारडम देखना है तो चुपचाप ये मूवी थिएटर्स में देखने के लिए चले जाना, क्योंकि आज जब मैं मूवी देखने गया मेरा मूवी का टाइम था 7 बजे का और उस टाइम भी पूरा होल हाउस फुल था। इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे नयनतारा, विजय सेतुपति, सानिया मल्होत्रा, दीपिका पादुकोण, सुनील ग्रोवर, रिद्धि डोगरा, संजय दत्त। बाकी वैसे संजय दत्त वाला बताना नहीं था, ये एक तरह से स्पॉइलर हो गया, उनका एक छोटा सा कैमियो था बस। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एटली कुमार ने, जो कि तमिल डायरेक्टर हैं, और इस मूवी को देखते हुए भी आपको थोड़ी साउथ इंडियन वाली फीलिंग बीच बीच में आती रहेगी। मूवी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है विजय सेतुपति और शाहरुख खान, और इन्हीं के साथ में जितने भी सपोर्टिंग कास्ट थी उन्होंने भी अच्छा काम किया है मूवी के अंदर। ये मूवी कोई टिपिकल बॉलीवुड मूवी नहीं है, ये उस टाइप की मास मूवी है जो कि ऑडियंस को कैच करती है, और इस चीज में मूवी अच्छी तरीके से कामयाब भी होती है। अब इस मूवी को जो प्रोड्यूस किया है वो किया है गौरी खान ने, मतलब शाहरुख खान की वाइफ ने। अब मूवी देखते टाइम आपको फील हो जाएगा कि मूवी के अंदर अच्छा खासा खर्चा कर रखा है, मतलब मूवी के अंदर जो भी सिनेमैटिक है या फिर जो भी मूवी का बीजीएम रखा गया काफी इंप्रेसिव और अच्छा रखा गया है। इस मूवी को एक्शन मूवी की तरह प्रमोट किया जा रहा था और ये चीज मूवी के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में आपको जाहिर हो जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो सीन आता है फाइटिंग वाला वो एकदम जबरदस्त होता है, और मूवी के अंदर जितना VFX है CGI जहां भी यूज हुआ है वो डिसेंट था। मूवी की पॉजिटिव की बात करूं तो मेनली 2 पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो खुद शाहरुख खान और विजय सेतुपति, दूसरा मूवी की स्टोरी। अगर आपने इसका ट्रेलर नहीं देखा या फिर इस मूवी के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते तो ये मूवी आपके लिए एक सरप्राइज फैक्टर होने वाली है। पूरी मूवी की लेंथ है 2 घंटे 45 मिनट के अराउंड, और मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो आपको फील भी नहीं होगा कि कब मूवी स्टार्ट हुई और कब खत्म हो गया। सेकंड हाफ के बाद मूवी थोड़ी देर के लिए स्लो होती है, लेकिन वो वापस अपनी पीक लाइन को पकड़ लेती है और एंड तक सेम वैसे ही चलती है, जिसकी वजह से मूवी आपको कहीं पे भी बोर नहीं करती और एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट का पैकेज आपको देती है। मूवी के अंदर मेरे को एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, वो भी मूवी के सॉन्ग्स, अगर उनको कट कर देते तो मूवी की लेंथ भी छोटी हो जाती, मतलब अराउंड मूवी भी 2.5 घंटे की हो जाती, और जो पार्ट जो हमने 10-15 मिनट के लिए बोरिंग आया था वो भी आराम से निकल जाता। तो मेरे हिसाब से काफी टाइम बाद बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी आई है जिसको आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो थिएटर्स में, और ये मूवी थिएटर्स के लायक है, तो प्लीज इस मूवी को जाके थिएटर्स में देखना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, गो वॉच।